अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नाउन जिफ़ी। जिफ़ी मीन्स लम्हा, अ वेरी शॉर्ट टाइम और मोमेंट। जिफ़ी एक नाउन है, मगर जिफ़ी को बतौर फ्रेज या इडियम भी इस्तेमाल किया जाता है। इन ए जिफ़ी, इन ए जिफ़ी मीन्स एक लम्हे में। इफ़ यू से दैट यू विल डू समथिंग इन अ जिफ़ी, यू मीन दैट यू विल डू इट वेरी क्विकली और वेरी सुन। अगर आप कहते हैं कि आई विल डू इट इन अ जिफ़ी, इट मीन्स कि आप कहते हैं कि मैं इसे एक लम्हे में कर दूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन अ जिफ़ी फ्रेज या इडियम को सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इन जिफ़ी को लेके हम सेंटेंसेस किस तरह बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन जिफ़ी के लिए हम सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं प्लस इन जिफ़ी फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सेंटेंस की मैंने बात की, तो सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ये किसी भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है, किसी मॉडल वर्ब का सेंटेंस हो सकता है, या किसी पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हो सकता है। क्योंकि ये एक फ्रेज है या इडियम है, इसको आप किसी भी टेंस, मॉडल वर्ब या पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले सेंटेंस, फिर एंड में हम इन अ जिफ़ी जो है वो यूज़ करेंगे। आइए अब हम कुछ जुमले बनाते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि इन अ जिफ़ी फ्रेज को किस तरह सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जुमला है हमारे पास, दे वेंट अवे फ्रॉम देयर इन ए जिफ़ी। वो एक लम्हे में वहाँ से दूर चले गए। अब इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, वो एक चुटकी में वहाँ से दूर चले गए। क्योंकि उर्दू में हम एक चुटकी में या एक लम्हे में, दोनों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, आई विल डू इट इन ए जिफ़ी। मैं इसे एक चुटकी में कर दूंगा, या आप कह सकते हैं कि मैं इसे एक लम्हे में कर दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई कैन फिनिश द टास्क इन ए जिफ़ी। मैं एक लम्हे में काम ख़त्म कर सकता हूँ। डोंट वरी, आई हैव कम्प्लीटेड द असाइनमेंट इन ए जिफ़ी। परेशान ना हूँ, मैंने ये असाइनमेंट एक लम्हे में मुकम्मल कर दिया है। He responds to your message in a jiffy. वो एक लम्हे में तुम्हारे मैसेज का जवाब देता है। Wait for a while. I will come back in a jiffy. थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं एक चुटकी में वापस आ जाऊँगा। He tidied up the room in a jiffy. उसने एक लम्हे में कमरा साफ कर दिया। यू शुड फिच इट फॉर मी इन ए जिफ़ी। आपको इसे एक लम्हे में मेरे लिए लाना चाहिए। आई कैन रीड इट इन ए जिफ़ी। मैं इसे एक चुटकी में पढ़ सकता हूँ। आई कुड हैव सोल्व दिस प्रॉब्लम इन ए जिफ़ी। मैं इस मसला को एक चुटकी में हल कर सकता था। यू शुड हैव डन दिस वर्क इन ए जिफ़ी। आपको ये काम एक लम्हे में करना चाहिए था। आई विल हैव टू टेल हिम इन ए जिफ़ी। मुझे उसे एक चुटकी में बताना पड़ेगा। डेसेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इन ए जिफ़ी फ्रेज और ईडियम
को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जुमले बनाने के अहल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की मुफीद वीडियोस बनाते रहें तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बरवक्त आप तक पहुँच सके और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो सके। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कीजिए और घर बैठे बिठाए इंतहाई मुनासिब फीस में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।